तो दोस्तों आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं AVG के फ्री एंटीवायरस को। अब फ्री एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में, और उसके बाद हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में चला जाता हूँ। आप कोई और वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं google.com में जाऊँगा, www.google.com, और यहाँ पे चलो मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे इंटर, और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं google.com में। अब यहाँ पे हमें लिखना है AVG फ्री एंटीवायरस। तो यहाँ पे मैंने लिखा चलो AVG फ्री एंटीवायरस, और यहाँ पे एक बार इंटर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। वैसे मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिंक पे मैं क्लिक कर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रहा है AVG का, और AVG का जो वेबसाइट है वो ऑफिशियली अभी ओपन हो चुका है यहाँ पे हमारे सामने। और यहाँ पे हमें सबसे पहले ही इंटरनेट सिक्योरिटी का एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली दो कॉलम है, जहाँ पे एक है फ्री डाउनलोड और दूसरा है पेड डाउनलोड या फिर बाय नाउ। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो उस मामले में फ्री एंटीवायरस डाउनलोड होगा और उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बाय नाउ में क्लिक करूँ तो फिर उस मामले में हम इंटरनेट सिक्योरिटी को बाय कर सकते हैं या फिर पैसे देके खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं आज तो फ्री एंटीवायरस को ही यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इस वेबसाइट को स्क्रॉल करूँ तो फिर यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी का और भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे सीधे साधे पॉइंट में बेसिक फ्री एंटीवायरस और इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या अंतर है यहाँ पे दिखाया गया है AVG के इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अगर बात करें फीचर्स के बारे में तो फिर AVG के फ्री एंटीवायरस में हमें हर तरह के मैलवेयर के खिलाफ लड़ने के लिए जो शक्ति है वो दिया जाएगा, और अगर बात करें इंटरनेट सिक्योरिटी के मामले में तो यहाँ भी हमें ये सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मलिशियस वेबसाइट्स के बारे में तो यहाँ पे इसको ब्लॉक करने का जो शक्ति है वो हमें फ्री एंटीवायरस प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे पेड में तो ऑब्वियसली ये मिलेगा। और इसके अलावा अगर PC के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फ्री एंटीवायरस में हमें ये फीचर मिलता है, पेड में भी। और अगर बात करें अपडेट्स के बारे में तो फ्री एंटीवायरस और पेड एंटीवायरस का जो अपडेट है वो सेम होने वाला है, AVG का ये दावा है। इसके अलावा भी हमें पेड वाले में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत एडवांस लेवल के हैं। तो हमें यहाँ पे अभी इस पेड एंटीवायरस के बारे में बात नहीं करनी, मैं यहाँ पे आज सिंपली फ्री एंटीवायरस को ही डाउनलोड करूंगा और इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फ्री एंटीवायरस को यहाँ पे फ्री डाउनलोड में क्लिक करते हुए, और यहाँ पे मैं चलो क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे फ्री डाउनलोड में, और ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे थैंक यू फॉर चूजिंग AVG। यहाँ पे अभी डाउनलोड शुरू हो चुका है हमारा, और यहाँ पे नीचे इंस्टॉलेशन का जो स्टेप है वो यहाँ पे विस्तार से बताया गया है, फिर भी हम लोग देखने वाले हैं आज। तो यहाँ पे डाउनलोड जो है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। तो यूजर अकाउंट एक्सेस ये हमसे अभी मांग रहा है, तो मैंने दे दिया ये इसमें क्लिक करके, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अभी AVG अपना इंस्टॉलेशन शुरू कर चुका है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक मुझे एवस की तरह ये लग रहा है, और ये इंस्टॉलेशन का पेज। तो हमने यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल में क्लिक कर चुका हूँ और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो डाउनलोड होता है, उसके बाद इंस्टॉल होता है, और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। अभी तक तो मुझे इसका सेटअप पूरी तरह से एवस का कॉपी लगा है, और अभी देखते हैं ये कैसे कैसे इंक्रीज करता है या फिर इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करता है। तो यहाँ इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे AVG का फ्री एंटीवायरस अभी ओपन नहीं होगा, हमें इसे मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ये अभी इसे ओपन कर देता हूँ, और ये मैंने किया डबल क्लिक यहाँ पे, और चलो एक और बार शायद क्लिक करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो ये मैंने किया यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक, और ये हमारा AVG का फ्री एंटीवायरस शायद अभी ओपन होगा। तो ये अभी ओपन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हमें दिखाया जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करूँगा सिंपली, और यहाँ कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमें अपना ईमेल एड्रेस देने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स में क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे अभी नहीं देना, तो मैं अभी यहाँ पे नो थैंक्स में क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के थोड़ी ही देर बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है AVG फ्री एंटीवायरस का यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे ये ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत यूज़र फ्रेंडली है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे अगर आप अपग्रेड में या फिर अनलॉक में क्लिक करो तो फिर वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली 800 रुपये में या फिर 900 रुपये में इंटरनेट सिक्योरिटी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं एक इंस्टॉलेशन ट्रायल मारूँ इंटरनेट सिक्योरिटी का, लेकिन मुझे अभी नहीं मारना ट्रायल कोई भी, तो मैं इस विंडो को सिंपली काट दूंगा। और यहाँ पे अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा इंटरफेस है AVG फ्री एंटीवायरस का, और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर जान लिया होगा कि कैसे हमें AVG का फ्री एंटीवायरस इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। वैसे यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शन है जहाँ पे बेसिक प्रोटेक्शन और फुल प्रोटेक्शन का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फुल प्रोटेक्शन वाला जो फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे सारे के सारे लॉक है। अगर हम लोग इंटरनेट सिक्योरिटी खरीदते हैं तो उस मामले में ये सारे फीचर्स हमें
अनलॉक देखने को मिलेंगे। वैसे हमारे पास अभी दो फीचर्स है ऐसे पहले में जो हमें अनलॉक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूआई के बारे में, तो यूआई बहुत स्मूथ है। इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा बहुत जल्दी, और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका यूआई कैसा है या फिर मुझे कैसा लगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे अपडेट कर लेता हूँ, और इसका जो टेस्टिंग है या फिर इसका जो रिव्यू है वो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो ज़रूर से आप चैनल पे अड़े रहिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे बताइए लाइक करके, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो, फिर या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाला हूँ। तो आज के लिए ये वीडियो ख़त्म, मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।